हमारी YouTube की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा नया कॉर्नर का घर लेकर। मेरा नाम मनीषा है और हर बार की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो जैसा कि आपने एलिवेशन देख ही लिया है ऑलरेडी, मैंने बता दिया आपको कि कॉर्नर का आज का ये विला रहेगा। हालांकि इस घर में अभी काम चल रहा है तो हम पहले इस वीडियो को इसीलिए बना रहे हैं ताकि अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ले ले घर को आकर। और प्लस एक और चीज़ थी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे चाहते थे, कुछ व्यूअर्स, कि आप हमें कुछ कॉर्नर का घर दिखाओ, तो इसीलिए कॉर्नर का घर आज आपके लिए लेकर आए हैं हम। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम हमारे लोकेशन की। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 125 न्यू सनी इनक्लेव में, नियर टू चंडीगढ़। तो बहुत ही प्यारा ये घर बन रहा है अभी और ये कॉर्नर का है। इसकी साइज़ की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 200 स्क्वायर यार्ड का घर ये रहेगा। और यहाँ पे आपको देखिए बर्म एरिया, आपको बहुत ही स्पेशियस बर्म एरिया मिल जाता है। आपकी एक गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, घर के बाहर आपको काफ़ी वाइड रोड मिल जाती है, घर के बाहर भी आप इजीली पार्किंग अपनी कर सकते हैं। और घर के अंदर की पार्किंग स्पेस की बात की जाए अगर, तो घर के अंदर भी आपकी लगभग 2 बड़ी गाड़ियाँ आराम से आ जाएंगी, इतना स्पेस हमें घर के अंदर भी मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम गाड़ियों की पार्किंग करें यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से, वैसे तो मैंने 2 बोला बट आप 3 गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 बड़ी गाड़ियाँ, एक छोटी गाड़ी भी आपके अंदर आ जाएगी एंड एक गाड़ी आपकी बर्म एरिया में आ जाएगी और एक गाड़ी घर के बाहर जो मेन रोड है उस पर भी आ जाएगी, क्योंकि स्पेस काफ़ी सारा हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो रही बात हमारे ग्रीन स्पेस की, घर के अंदर का जो हमारा ग्रीन एरिया है वो ये रहेगा। तो जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये आपको कॉर्नर का घर मिल रहा है, उसका मेरा मतलब था कि ये देखिए कॉर्नर के घर की जो खासियत होती है मेनली वो ये पार्ट रहता है, क्योंकि आपको काफ़ी ह्यूज सा जो ग्रीन एरिया वो मिल जाता है। आप यहाँ पे गार्डनिंग भी कर सकते हैं, कुछ अपनी साग सब्जियाँ उगा लीजिए, फल फ्रूट उगा लीजिए और पूरा पीछे तक आपको काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पर मिल रहा है। तो आप प्लस पॉइंट रहता है कॉर्नर के घर का सिर्फ और सिर्फ यही, और प्लस साथ में कोई घर भी नहीं आता है और रोड आ जाता है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। तो आप यहाँ पे सुबह शाम सिटिंग मैनेज कर लीजिए तो बैठ भी सकते हैं एंड कुछ चाय कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और यहीं पे आप सेकेंड एंट्री भी अपनी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर छोटा सा गेट आप लगा लीजिए तो आपकी एक और एंट्री हो जाएगी आपके घर में आने के लिए। और जैसे कि मैं वॉक कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप भी वॉक कर सकते हैं सुबह शाम को। घास में कहते हैं कि अगर आप नंगे पाँव चलोगे तो बहुत ही अच्छा होता है सुबह सुबह के वक्त में, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेन एंट्रेंस की ओर चलते हैं हम हमारे घर की। तो दोस्तों घर के अंदर हम जाएंगे, आप देखेंगे खुद से कि काम अभी कितना ही पेंडिंग है। घर के बाहर ही आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जैसे ग्लास लगना बाकी है विंडोज में, और इस तरफ को भी ग्लास लगना बाकी है, अभी यहाँ पे लाइट्स लगना बाकी है, घर के अंदर भी काफी काम पेंडिंग है। बट हम आपको स्टार्टिंग में ये वीडियो इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि अगर आपको पसंद आता है तो आप ये कर सकते हैं अपने नाम इस घर को। तो बाहर भी आप देखिए वुडन का वर्क आपको दिया जा रहा है थोड़ा बहुत, फॉल सीलिंग में भी आपको वुडन का वर्क मिल जाएगा। जो हमारी मेन एंट्रेंस है वो आपको सबसे पहले मैश डोर के साथ मिलता है, उसके बाद एक और डोर अभी लगना बाकी है जो हमारा मेन वुडन का डोर रहता है, और ये हमारा आ जाता है सबसे पहले फॉयर एरिया। तो यहाँ पे अगर जब लाइट्स लग जाएंगी, हालांकि इसमें कुछ एक हफ्ते तक का काम पेंडिंग है, बट उसके बावजूद भी हम चीज़ देख के समझ सकते हैं कि ये घर कैसा लगेगा बनने के बाद। तो ये इस तरफ को आ जाएगा आपका लिविंग एरिया, तो ये लिविंग स्पेस रहेगा। यहाँ पे भी वुडन का काफ़ी सारा वर्क हमें नज़र आ रहा है। इस तरफ को पार्टीशनिंग आ जाती है वुडन की, तो जो ये स्पेसेस दिए गए हैं यहाँ पे आप अपना कुछ प्लांट्स वगैरह या कुछ क्रिएटिव आइटम्स रख सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। आफ्टर दैट इस तरफ को आएगा आपका फैमिली लाउंज स्पेस एंड डाइनिंग एरिया। और यहीं से ही अगर इस तरफ को देखें एक बार, जो ये स्टेयर्स के साथ में विंडो आ जाती है, फुल हाइट तक की विंडो, ऊपर तक विंडो है ये, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका लुक आ रहा है एंड हम बाहर का भी व्यू देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। और ऊपर भी हम एक बार आपको लेकर जाएंगे, दिखाएंगे सारा, क्योंकि काम अभी चल रहा है। बट हमें पर्सनली बहुत पसंद आई थी ये कोठी, तो हमने सोचा पहले ही वीडियो बना लेते, कोई बात नहीं। तो आप इधर देखिए अभी जो मेन एंट्रेंस डोर था हमारा, उसका भी यहाँ पे फिनिशिंग का वर्क चल रहा है। इस तरफ को आपका टीवी पैनल स्पेस रहेगा, इस तरफ को आपका किचन आ गया, सो जो कि फुली मॉड्यूलर रहेगा एंड साथ में ओपन किचन आ गया हमारा। तो ये आपके 2 बेडरूम्स आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, दोनों ही बेडरूम से आपको एक्सेस मिल जाता है आपके वॉशिंग स्पेस का।
अभी मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये इंटरनल स्टेयर्स आपकी आ जाती हैं यहाँ पे। तो कॉर्नर का प्लस पॉइंट यही रहता है कि आप, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि साथ में घर नहीं आता है, तो आप प्रॉपर यहाँ से व्यू भी ले सकते हैं बाहर का। तो अभी तो जैसे आप देख ही रहे हैं, ग्लास भी लगना बाकी है, बहुत काम पेंडिंग है अभी इस घर में। बट उसके बावजूद भी इस घर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ही प्यार से इसको बनाया जा रहा है। तो इस तरफ को ये जो फर्स्ट फ्लोर का पेंट्री एरिया आ जाएगा, एक छोटा सा पेंट्री एरिया दिया गया है। तो ये यहाँ पे आपका अगेन फैमिली लाउंज स्पेस कह लीजिए इसको। और ये है आपका थर्ड बेडरूम, इसके साथ में आ जाता है आपका फोर्थ बेडरूम। और इस तरफ को ये है आपका फिफ्थ बेडरूम। तो टोटल इस घर में 5 बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं, और हर एक बेडरूम के साथ आपको एक्सेस मिल जाता है आपके फ्रंट एंड बैक बालकनीज का। तो दोस्तों, और हमने हमारे बेडरूम्स तो देख लिए हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, बता दिया है। यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है आपके टेरेस की। तो वहाँ पे इतना स्पेस है कि आप एक रूम बना सकते हैं जो कि हाउस हेल्प का रहेगा, या आप बना सकते हैं मल्टीपर्पस रूम कह लीजिए, जिम या फिर ऑफिस स्पेस, जैसे भी आप उस स्पेस को यूज़ करना चाहें। एंड प्लस गैदरिंग भी वहाँ पे हो सकती है, कम से कम 20-25 पीपल की आराम से गैदरिंग आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्पेस है ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी से सब बहुत ही प्यार है, ये घर भी आपने देख लिया है। एक्चुअल हमारी वीडियोस होती हैं, कोई एडिटिंग हम नहीं करते हैं, जो एक्चुअल सामान है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आप हम पे भरोसा करते हैं, इसीलिए हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और इसीलिए हमारे पास आते हैं आप। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, कलर चेंजिंग कर देते हैं घरों में, और बहुत ही ब्राइट एंड शाइनी सा कर देते हैं ताकि वो घर ना और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। बट सामने से जाके वैसा होता नहीं है। बट हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, हम कोई एडिटिंग नहीं करते, डायरेक्ट वीडियोज़ बना के उन क्लिप्स को जोड़ के सीधा अपलोड कर देते हैं, एंड आप वो वीडियो देख लेते हैं। और एक और मैं बात बता दें दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे अभी आप देख ही रहे हैं काम चल रहा है, यहाँ पे आप एक बार इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे शैंडलर आ जाएगा, ये जो वॉल्स हैं सारी की सारी फिनिशिंग का इसका सारा वर्क हो जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे भी आपकी सारी लाइट्स आ जाएंगी, LED लाइट्स, एंड जो वुडन का वर्क भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिनिशिंग के बाद तो ये घर बहुत ही कमाल लगेगा। हम कोशिश करेंगे, अगर ये सोल्ड आउट ना हो जाए तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक दोबारा से वीडियो बनाएं पूरे घर को। जब पूरा घर असेंबल हो जाएगा, प्यारा सा लगेगा जब घर, तब हम एक बार कोशिश करेंगे ये आपके लिए एक नई वीडियो दोबारा से लाएं इस घर के साथ।